फिल्म का नाम है चली ना जवनिया पे जोर राजा जी। आई थिंक मैंने ये सोच के रखा है कि काफ़ी रोमांटिक नाम है और फिल्म भी मेरी रोमांटिक है, इसलिए इसमें मैं बहुत ही अमीर घर की लड़की हूँ और कह सकते हैं कि बहुत अमीरी में पली बड़ी, ना जो मैं पली बड़ी हूँ तो अमीर घर की हूँ जी। पवन सिंह स्टार हैं और हर कोई चाहता है कि स्टार के साथ काम करना, तो मेरा भी एक ख्वाहिश था कि मैं उनके साथ काम करूं और ये मेरा सपना पूरा हुआ। इसमें आई थिंक वो 3 या 4 गाने गाएंगे। सॉरी कट करो यार, मुझे नहीं मालूम जी। हाँ, आज फिल्म का गीत रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुहूर्त भी है, तो क्या कहेंगे किस तरह से गीत संगीत बन रहा है इसका? इस गीत को आज इंदू जी गाने वाली हैं और ये मेरे फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। तो बाकी और क्यों कितने गाने हैं और किस किस मूड के हैं? फिल्म पूरी तरह से रोमांटिक थीम पे है, लाइक लैला मजनू, सीढ़ी फरहाद, इस तरह की रोमांटिक फिल्म लेकर आ रही हूँ, तो ऑफकोर्स इसके गाने बड़े करंट प्रिय होंगे और विनय बिहारी जी ने लिखे हैं तो बहुत ही मीठे और सुहावने होंगे। विनय बिहारी जी का गीत संगीत कथा पटकथा और शैलेश श्रीवास्तव जी इसमें डायरेक्टर हैं, क्या कहेंगे इस कॉम्बिनेशन के बारे में? जी, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। शैलेश श्रीवास्तव जी एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं और विनय बिहारी जी तो बहुत अच्छा संगीत और उनका गीत और कथा पटकथा सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो मुझे लगता है कि ये टीम बहुत ही अच्छी है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपका किरदार के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से उसको प्ले करने वाली हैं? मैं एक अमीर लड़की ज़रूर हूँ लेकिन दिल से मैं बहुत सॉफ्ट हूँ और इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं निभाऊँ लाइक लैला और सीरी की तरह। जी, मेरी फिल्म दबंग मुरा बलमा है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू हो चुका है और जल्दी ही वो लेकर मैं आने वाली हूँ। उसमें मैं एक बड़ी बहन का और एक अच्छी बेटी का किरदार किया हुआ है और उसमें मेरे अपोजिट विराज जी हैं, तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है और पुलिस वालों पे आधारित है और रिश्तों पे आधारित फिल्म है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, उसे आप लोग ज़रूर देखें। थैंक यू। नहीं 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 ठीक है, पिछली बार मैं रेडी होके आई थी। मैं अभी देखिए, सारे प्रोड्यूसर्स यही बोलते हैं कि हमारी फिल्म बाकी फिल्मों से हटके है, अलग है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ ये बोलूँगा कि एक कोशिश की है हमने नए तरह का सब्जेक्ट ले आने का, दर्शकों के सामने रखने का। एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है जिसमें आपको इमोशंस, कॉमेडी, एक्शन और